बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई मैं बनाने लगी हूँ चने के दाल लड्डू। आज तो बड़ा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना लड्डू बनाए जाएँ। तो एक कप मैंने दाल का ले लिया था, इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भगो करके रखा था। तो ये देखिए दाल फूल कर हमारी कितनी 2 कप हो गई है। तो जनाब अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये कप का मैंने मेजरमेंट किया था, तो इसी कप से नाप किया था। तो इसका अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले पानी रिमूव करेंगे। तो दाल हमारी जो है काफ़ी हद तक गल चुकी है, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक भगोया था और पानी रिमूव करके इसको मैंने मिक्सी में डालकर ये देखें दरदरा सा पीस लिया। ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल मैश नहीं करना, इसको एक दानेदार सा टेक्स्चर देना है। अगर इसके अंदर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत दाल भी रह जाए तो कोई बात नहीं है, वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी दाल को। तो जनाब मेरी वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखें आप और स्किप ना कीजिएगा, फिर आपको जो है एक एक स्टेप का पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं। तो इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल कर देखा दाल का एक तिनका, तो वो अभी ऑयल गर्म हो गया था। बस इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके मैंने इसके अंदर रख देनी है। तो अगर फ्लेम हम जो है वो हाई करेंगे तो जो टिक्कियाँ ऊपर से जलेंगी और अंदर से कच्चा कच्चा सा जायका आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मीडियम फ्लेम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पकाना है हमने, चाहे इसमें 5 से 6 मिनट भी लग जाएँ। तो ये देखें एक साइड से जो है वो कलर हल्का हल्का सा चेंज आने लग गया है, तो मैं इसकी साइड इस तरह से चेंज कर रही हूँ एक चम्मच की मदद से। तो बड़े आराम के साथ आपने चेंज करना है ताकि हमारी जो टिक्की हैं वो ख़राब भी ना हो और अच्छे से पक भी जाएं। तो जनाब इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया है। तो ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और कितना प्यारा बेसन जैसा कलर बन गया है इसका। तो बस इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, फ्राई करेंगे और सारी टिक्कियों को हम इस तरह से निकाल देंगे। दूसरा पूर भी मैंने डाल दिया था उसी तरह से सेम, तो सारी टिक्कियाँ मैंने निकाल करके रख ली हैं। तो ये देखें सारी टिक्कियाँ जो निकल गई हैं, तो काफ़ी माशाल्लाह ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बड़ी जूसी बनी है, देखें कितनी मज़े की लग रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मुंह में डाला तो बहुत ही मज़ेदार इस तरह भी जायका इसका लग रहा था। और अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो उतनी देर में हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे। तो उसी कप से जिस कप से मैंने दाल ली थी उसी कप से मैंने एक कप से चीनी ले ली है, और मैंने थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा बनानी है तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़े से 2 कप डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके अलावा भी यूज़ करना है उसको। तो आपने अगर लहदा यूज़ नहीं करना है तो 1 कप चीनी डालें और 1 कप ही पानी डालें। तो बस इसको आप पकने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखें इसको काफ़ी हद तक जो है बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो इसको अभी चेक करेंगे। तो अभी इसकी जो मतलब कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल चाशनी जैसी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक हो गई है। तो अभी चिपक नहीं रहा है हाथ को, हल्का हल्का सा लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। तो मेरे पास है ज़रदा फूड कलर है, ये 1 चम्मच वो डाल देना है। अगर आपके पास रेड फूड कलर है तो आप 1/2 चम्मच डालिएगा। तो बस इसको पकने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे मज़ीद, तो फिर हमारी जो चाशनी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। और जब तक ये हमारी चाशनी रेडी होगी उस वक्त हम ऐसे करेंगे जो हमने अपनी टिक्कियाँ ठंडी करने के लिए रखी थी, और उसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाल करके उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बस इसको पकने के लिए रख देते हैं और अपना दूसरा प्रोसीजर करते हैं। तो जनाब ये देखें मैंने उसको भी टिक्कियों को उसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाली थी और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। बस इस तरह दानेदार सा टेक्स्चर होना चाहिए। और चाशनी हमारी ठंडी हो गई तो इसके अंदर हमने डाल दी है, थोड़ी सी मैंने उसमें बचा ली है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस तरह से स्पैचुला की मदद से। तो क्योंकि हल्की हल्की गर्म है इसलिए मैं हाथ नहीं इसके अंदर लगा रही अभी, तो बस इसको रख देना है आपने तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको कढ़ाई में डाल करके इसका पानी वैसे भी ड्राई कर सकते हैं। तो वैसे इसको मैंने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था। तो ये देखिए कितनी ड्राई हो गई है। और इसके अंदर मैंने अब देसी घी डाल दिया तकरीबन 3 चम्मच भर करके। इसके अंदर बहुत ही मज़े का जायका आता है देसी घी का। अगर आप नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि देसी घी डालें। तो बस इसको हाथ के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है। सारा जो
घी हमने डाला है वो इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए, और बस इस तरह से पकड़ करके हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो जितने साइज़ के भैया आपको पसंद हैं आप उतने बना सकते हैं, छोटे पसंद हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े पसंद हैं तो बड़े पसा सकते हैं बना सकते हैं, जितनी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें लड्डू मैंने एक बना लिया और इसको प्लेट में रखेंगे। तो जनाब इसी तरह से मैंने दूसरे जो लड्डू वो भी इसी तरह से बनाने हैं, बस इस तरह थोड़े से पकड़ करके इसको इस तरह हाथ के साथ दबाना है, दबा करके फिर इसको गोलाई में इसकी शेप थोड़ी सी कर देनी है। तो ये देखें तो सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी के साथ ही हमारे आपासी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।